बस एक दो चीजें ही हाईलाइट करना चाहती हूँ, वैसे है बहुत सारी चीजें पर दो चीजें मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। एक तो हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, तो मैं आपके सामने हमारा एक क्लासरूम का नियोजन है वो पेश कर रही हूँ। हम लोग हमारी क्लासेस में अक्सर तीन भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग कहीं कभी भी नहीं कहते कि हमारी लर्निंग सेंटर सिर्फ कोरकू मीडियम है या तो फिर मराठी मीडियम है। हम कोरकू, हिंदी और मराठी तीनों माध्यम भाषा का इस्तेमाल वहां पे करते हैं। इसीलिए मुझे मेरा ये कहना है कि ये जो नोशन है कि स्कूल की लैंग्वेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक ही हो सकता है, उसको ब्रेक करना जरूरी है एटलीस्ट प्राइमरी लेवल पे। आगे के लेवल पे हमें सोचकर कुछ पोजीशन लेनी होगी, लेकिन ये पोजीशन हम लोग हमारे अनुभव के साथ ले रहे हैं कि नोशन, वो जो नोशन है कि एक ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, उसको तोड़ना जरूरी है प्राथमिक कक्षा के तौर पर। वहां पे तीन चार भाषाएं भी माध्यम भाषा बनकर आ सकती है, ये मुझे एक बात कहनी है। और दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि यहाँ पे आप देखेंगे, जो मैंने प्रेजेंट किया था वहां पे आप देखेंगे कि कोरकू, हिंदी, मराठी भाषा, हम लोग भाषा भी लिखते हैं। अगर आप देखेंगे तो भाषा भी हम लिखते हैं कि जो कोई सेशन है वो सेशन किस भाषा में चलेगा। तो इस तरीके से इसका अंतर्भाव होना बहुत ही पॉसिबल है। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि जैसे अंजलि ने कहा कि हमने कोरकू भाषा में कोर्स बनाया है, तो स्टेट गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि शिक्षकों को बच्चों की भाषाएं नहीं आती है और उनको वो सिखाने वाले भी कोई नहीं होते, अपने से सीखने की अपेक्षाएं रखते हैं। तो मेरी स्टेट गवर्नमेंट के पास ये मेरा कहना है कि आप सभी जो भाषा है, 56 भाषा है, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसीलिए हर भाषा का सीखने का कोर्स बनाना जरूरी है जो किसी भी फॉर्म में टीचर्स को अवेलेबल हो, क्योंकि हमने ये देखा है, जो हमने कोरकू भाषा का कोर्स बनाया उसमें हमने ये देखा है कि ये भाषा का कोर्स होने के वजह से शिक्षकों को और जो कोई पार्टिसिपेंट थे उनको भाषा समझने में मदद हुई, और फिर वो जब बच्चों के साथ बात करते हैं तो भाषा और एनहांस होती है। लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि डायट की जिम्मेदारी है, राज्य शासन की जिम्मेदारी है कि कोरकू किसी भी लैंग्वेज का कोर्स बनाए। महाराष्ट्र में अक्सर 56 भाषाएं कहूंगी कि है, तो 56 भाषाओं का कोर्स बनना जरूरी है। जो कोई ये सीखना चाहता है वो होना जरूरी है। बस ये पोजीशन में, इसके ये दो पोजीशन जिसकी हम बात कर रहे थे, तो आपने ऑलरेडी हमें दो वे फॉरवर्ड दिया है और अंजलि ने ऑलरेडी और एक वे फॉरवर्ड दिया है हमें। तो मैं चाहती हूँ कि हम अभी दो तीन क्वेश्चंस फटाफट लें, उसके बाद मैं भी लास्ट कमेंट्स लेंगे महेंद्र जी से और शिवानी से ऑन द वे फॉरवर्ड। सो एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, किसी के पास कोई सवाल है कहीं से भी हो सकता है, आप हिंदी, इंग्लिश और अपनी भाषा में भी आप बोल सकते हैं, हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। कोई पूछना चाहता है क्या हमें, एनीबडी और एनीथिंग? आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट भी दे सकते हैं। हाँ, किशोर शायद कुछ कहना चाहते हैं लेकिन म्यूट है। हाँ किशोर, ठीक है। हाँ आई थिंक उन्होंने लिख के दिया है। हाँ ओके, किसी का और कोई सवाल है क्या, क्योंकि हम चाहते हैं सवाल जवाब भी लें। ओके, आई थिंक शायद बस एक लाइन और किशोर जी कुछ बोल रहे हैं। एक मिनट, किशोर बोलिए बोलिए। हाँ किशोर बोलिए बोलिए। हेलो, उन्होंने बोला कि उन्होंने लिख के दिया है तो इट्स अंजलि ऐड करो। आई जस्ट वांट टू ऐड वन लाइन कि जब हमने 80s में मदर टंग मीडियम कम्युनिटी के साथ बात करने की कोशिश करी तो जो आप सब ने बोला वो रिएक्शन था, लेकिन 2000 के डेकेड में जब हमने उसको मल्टीलिंगुअल रखा, जिसमें हमने कहा हम अंग्रेजी भी पढ़ाएंगे और आपकी भाषा को भी सशक्त करेंगे और हिंदी भी चले, तो जस्ट दिस अप्रोच ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म आल्सो गेट्स मच मोर मच बेटर रिस्पांस। दैट्स व्हाट आई जस्ट वांटेड टू से। नो नो, वेरी गुड। आई थिंक ये है कि जैसे हम वही बात कर रहे हैं कि कोई जो हम बात शत्रुता की बात कर रहे हैं, कोई भाषा किसी के खिलाफ नहीं है, सबको साथ में एग्जिस्ट करना है और ग्रो करना है। और मैं तो एमएलई की मतलब मेरा नॉलेज जीरो है, तो इवन इफ आई एम कन्वीनिंग दिस मीटिंग, बट आई थिंक मेरे लिए बहुत ही एजुकेशनल रहा। तो जाते जाते अगर महेंद्र जी
जी, अगर आप कुछ हमें बताएंगे कि वे फॉरवर्ड आगे के लिए हम क्या रास्ता अपनाएं, दो तीन सुझाव तो ऑलरेडी आ चुके हैं, एक दो चीज अगर आप बताना चाहें दैट विल बी गुड। ओके, ओवर टू यू। यही है कि आपके तो राजनीतिक लोकतंत्र है देश में, दिखाई दे रहा है, लेकिन भाषिक लोकतंत्र और सांस्कृतिक लोकतंत्र जिसमें कि 90% लोग 90% लोग जीते हैं, उसी लोकतंत्र को बचाने का सबसे बड़ी प्रयास है। ये गांधी जी का एक वाक्य है कि हमारे देश में जो एक ज्ञान का एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल ट्री था, उसको ये विदेशी सरकार ने उसको उखाड़ा है, लेकिन उसका जड़ अभी भी हमारे देश में कहीं ना कहीं मिट्टी में है, और उसी जड़ को फिर उखाड़ने की जरूरत है, फिर जगाने की जरूरत है, और अभी जग रहा है। ये 21वां शताब्दी जो है, 21st century इज द सेंचुरी ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। ये 21वीं शताब्दी में सारे लोग जिसको आज तक भी भाषा नहीं मिला, आइडेंटिटी नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला, ये अधिकार का शताब्दी है। और आप देखेंगे ये तो अभी 10,000-20,000 की बात कर रहे हैं, 500 पॉपुलेशन की भाषा को भी उतना मान्यता देना होगा जितना 5 लाख को या 5 करोड़ को दिया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे मित्र जो अपने एक नया प्रयास में चलते हैं, लेट देम फील इट एज ए लविंग स्ट्रगल। ये प्रिय संघर्ष होना चाहिए, और ये प्रिय संघर्ष को जितने 25-30 साल जिंदगी भर लगाएंगे तो आपको एक इस देश की मिट्टी के साथ काम करने का सबसे बड़ा सम्मान और अनुभव मिलेगा। थैंक यू। मुझे आपका ये शब्द बहुत अच्छा लगा, प्रिय संघर्ष। तो मैं ये मेरा बिगेस्ट टेके हुए है फ्रॉम टुडेज यू नो सेशन। तो शिवानी, नाउ ओवर टू यू। ओके, या थैंक्स रीता। मैं यही कहना चाह रही थी, यू नो किशोर जी का सवाल भी पढ़ा कि अल्टीमेटली बात वही है कि हम मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की बात की कौन से प्रिंसिपल्स पे करेंगे। सिर्फ यू नो आइडेंटिटी इज इम्पोर्टेंट, लेकिन आइडेंटिटी एक कोएग्जिस्टिंग आइडेंटिटीज के स्वरूप में, और आइडेंटिटी का असर्शन विजिबली अदर आइडेंटिटीज, दीज आर ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ आर टाइम्स। तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का इमेजिनेशन अगर हमारा सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल, बोथ इन एक्सेस ऑफ नॉलेज एंड इन प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, यहाँ से आएगा, तो इसमें आइडेंटिटीज का एग्जिस्टेंस, उनका यू नो स्ट्रेंथनिंग होना किसी के लिए भी खतरे की बात नहीं होगा, राइट? लेकिन और इसमें ये चीजें सच में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, पर हम अगर इस सवाल को यू नो इस सवाल को हम एकदम एक सोशल जस्टिस के उससे भी बोल सकते हैं, और लैंग्वेज के सवाल को एकदम लिंग्विस्टिक पोजिशनिंग से भी बोला जा सकता है। तो आज के टाइम पे इस सवाल को सही सतह पे खड़े होके पूछना भी बहुत बहुत जरूरी है, कि हम बहुत भाषाओं की बात कर रहे हैं, हम भाषाओं के कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हम लैंग्वेजेस के जो हायरार्की है, एक लैंग्वेज किसी लैंग्वेज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस चीज को चैलेंज करते हुए लैंग्वेजेस की कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे थोड़ा एनईपी जैसे डॉक्यूमेंट से संदेह होता है जब वो बोलते हैं कि सम यू नो आर लैंग्वेजेस आर ग्रामेटिकली बेटर और मोर साइंटिफिक, बिकॉज देयर इज नथिंग टू प्रूव दैट। सो आर पुशिंग और आर यू नो फाइटिंग फॉर मल्टीलिंगुअल स्पेसेस एंड मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज हैज टू कम फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ इक्वालिटी एंड यू नो को एग्जिस्टेंस विद वन एन अदर विदाउट हायरार्की। अदरवाइज जो खतरे की बात जो किशोर दरक जी ने जिस तरफ हमको पॉइंट किया, वो फिर उससे जूझना मुश्किल हो जाएगा, कि फिर हर एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज से लड़ेगा। तो इन्हीं सवालों पे अगर हम मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की बात करें, इन प्रिंसिपल्स पे बात करें, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स पे बात करें, तो वो शायद इस मूवमेंट को आगे ले जाने में ज्यादा मददगार साबित होगा। थैंक यू सो मच शिवानी। एंड मुझे लग रहा है कि समय को देखते हुए मुझे लग रहा है कि इस चर्चा को हमें खत्म अभी करना चाहिए, और ये बातचीत तो चलती रहेगी, बट
जैसे हमने बात की, ये सिर्फ मदर लैंग्वेज, हम मदर टंग जब बात करते हैं, एक ही परिवार में मदर टंग्स है ना, एक ही भाषा भी नहीं है। तो अभी हर जगह पे हम एक मल्टीलिंगुअलिज्म की बात कर रहे हैं, हर इंस्टीट्यूशन के अंदर, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, हमारी दफ्तर हो, जहां भी हो। तो आई थिंक हर जगह पे हमें रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है और हम सब एक स्टेक होल्डर है, हम इस पे क्या कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं खत्म करूं, मैं आज की जो विनर है उनको अनाउंस करती हूँ। आई थिंक स्वयं प्रभा वॉज द विनर, सी आंसर्ड बोथ द क्वेश्चंस जो हमने पूछा था, 8 शेड्यूल में कितनी भाषाएं हैं और कितनी मदर टंग हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था 2001 की सेंसस के दौरान। उनने सही जवाब दिया था, पहले का आंसर है 22 और सेकेंड का अराउंड 10,000 लैंग्वेजेस। तो स्वयं प्रभा को बहुत सारी बधाई। और ये जैसे मैंने बताया, एक प्रयास था हम लोगों का कि हम कैसे जो प्रैक्टिसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम तो अपनी अपनी छोटे छोटे संस्थाओं में, जैसे उन्होंने बोला, प्रिय संघर्ष करते रहते हैं, महेंद्र जी ने जैसे बताया, पर साथ में हमें एक मैक्रो लेवल पे भी आने की जरूरत है। और जैसे अंजलि ने बताया कि जरूरी नहीं कि संस्थाएं ही आए, व्यक्ति भी आए, हर रिसर्चर भी आए, हर प्रकार के लोग हैं। और जैसे मेरे जैसे जो एमएलई से बहुत कम जिनको नॉलेज है, उस तरह के लोग भी जुड़े, तभी जाके सबकी जब एजेंडा बनेगा तभी आगे हो पाएगा। सिर्फ एमएलई के कुछ ही लोगों को लेके अगर हम एमएलई की बात करेंगे, वो आगे शायद नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं उस इग्नोरेंस के साथ भी मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि हमें लाने की, इकट्ठे आने की भी ज्यादा जरूरत है। और ये एक छोटी सी प्रयास थी हमारी तरफ से। आप सबने इतनी बेहतरीन पार्टिसिपेट किया और आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी एंड इट्स विद दिस एनकरेजिंग वर्ड्स फ्रॉम महेंद्र जी एंड शिवानी। आई थिंक वी शुड डेफिनेटली कंटिन्यू दिस स्ट्रगल एंड आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक ऑल पैनलिस्ट, हेमांगी, शिवानी, महेंद्र जी एंड रूपेश फॉर their time and valuable insights, and a special thanks to Unnati team and Patang team for putting all this together, and thank you very much. So have a good day and see you soon. ek parting ye, all of you and all in your organizations, if you can take up as an each person learns one more language. Yes. That's a good one. एक स्क्रीनशॉट भी लेते हैं, एक स्क्रीनशॉट लेते हैं बंद करने से पहले, ताकि एक फोटो भी हो जाए, है ना? ले लो भाई, कैसे लेते हैं, मुझे ये सब चीजें पता नहीं है, आप लोग ले लो। सो वीडियो ऑन करे तो ठीक रहेगा शायद। हाँ, वीडियो अगर ऑन कर पाए तो अच्छा रहेगा, एक फोटो ले लें। और स्वयं प्रभा, आपको देख पा रही हूँ, आपको इनाम मिलेगा मेरे तरफ से जब मैं जाऊंगी पतंग। थैंक यू रूपेश, आप ले रहे हैं क्या फोटोग्राफ? थैंक यू रूपेश, ये रिकॉर्डिंग किया है, आई डोंट नो वेदर वी रिकॉर्डेड दिस ऑर नॉट। हाँ रूपेश, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। संतोष, आप ही लीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।